नमस्कार। आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि फायर टीवी स्टिक से अगर हमको कोई ब्लूटूथ एक्सेसरी कनेक्ट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो फायर टीवी स्टिक में जाना पड़ेगा और वहां जाकर के देखना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले फायर टीवी स्टिक के लिए फायर टीवी स्टिक को चालू कर लेते हैं। तो अब जैसा कि मेरा ये स्मार्ट टीवी है और फायर टीवी स्टिक भी है मेरे पास, जो कि मैंने इस वक्त अपने एवी रिसीवर में लगाई हुई है, तो उसके लिए हमको अपने टीवी के इनपुट में जा कर के फायर टीवी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो एवी रिसीवर से आउटपुट आता है वहाँ पर इस टेलीविज़न के HDMI 1 में मैंने लगाया हुआ है, तो वो अभी हमको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अब जैसे कि इनपुट में जाना है तो टीवी के रिमोट से इनपुट का बटन दबाया और हम चले गए फायर टीवी स्टिक जो लिखा आ रहा है इस पर। तो ये HDMI 1 पे वो मेरा होम थिएटर कनेक्टेड है, उसी में वो फायर टीवी स्टिक लगी, इसलिए ये फायर टीवी स्टिक उस पर मैंने नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी शो कर रहा है। तो अभी ये यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं। चलिए लाइट ऑफ कर देता हूँ, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ अभी ठीक है। तो अभी ये फायर टीवी स्टिक पे आ गए, आपने देखा होगा यहाँ पे दिखा रहा था फायर टीवी स्टिक कनेक्टेड। तो अब अपने टेलीविज़न के मोड से बाहर आ गए। तो अब ये फायर टीवी स्टिक के रिमोट से जाकर के हम करते हैं इसकी सेटिंग्स में, देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। ये आ गए हम। अब यहां से यहां पे लिखा है रिमोट्स एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस, तो यहां पर हमको जाकर के सेलेक्ट करना है और उसके बाद कोई भी चीज हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी यहां से मैं इसको दबाता हूं, तो अभी ये यहां पर दिखा रहा है अमेजन फायर टीवी रिमोट्स, गेम कंट्रोलर्स। तो यहाँ से हम कोई भी गेम कंट्रोलर जो हमारे पास डिवाइस हो वो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास गेम कंट्रोलर तो है नहीं, लेकिन अगर कनेक्ट करना हो तो वो यहाँ से कनेक्ट आराम से किया जा सकता है। अब बात करते हैं अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, चलिए करके देखते हैं। तो अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पर है एक स्पीकर, तो इसको कनेक्ट करने के लिए देखते हैं क्या ये कनेक्ट होता है। ये हमने ऑन कर दिया, वो सर्च कर रहा है, रेडी टू पेयर हो गया, वो सर्च कर रहा है कि ब्लूटूथ डिवाइस कोई उसे मिल जाए। तो अभी इसने यहाँ शो कर दिया, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। The wireless device has connected successfully. तो अभी ये कनेक्ट हो गया। अब हम कुछ भी प्ले करके देखते हैं कि क्या ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आवाज बकायदा आ रही है, इसी से आ रही है। तू मैं रख परे हम आप बोलते हैं। अब जैसे स्पीकर से जो साउंड आ रही है वो चेक करने के लिए मैंने माइक यहाँ लगा रखा है, तो मैं यहाँ लेके आता हूँ। स्वागत है आपका जनाब शहर लखनऊ में। आज के इस वीडियो में हमें लखनऊ की सैर कराएंगी लखनऊ से ही कामिया शर्मा। तो इस तरह से हम अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी इससे आवाज़ आ रही थी, मैंने चेक करा दिया कि माइक के पास लाया और दूर ले गया, तो आवाज़ भी दूर चली गई होगी। तो उस हिसाब से अब ये कनेक्ट हो गया। अब तो मान लेते हैं कि अब हमारे पास स्पीकर नहीं है, हमको अपने स्पीकर है लेकिन हम स्पीकर से कनेक्ट नहीं करना चाहते, हमको प्राइवेसी चाहिए, हम नहीं चाहते कि लोग डिस्टर्ब हों और हम अपने कान में लगा के बढ़िया अपना गाना सुनना चाहते हैं, जो हम टीवी पे चलाएं, हम देखें भी और हम सुने भी, कोई भी प्रोग्राम कुछ भी। तो उसके लिए अब जैसे कि मेरे पास ईयरबड्स हैं तो ये कैसे कनेक्ट करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसे कनेक्ट करेंगे। वापस वहीं जाते हैं रिमोट्स एंड ब्लूटूथ डिवाइसेस पे, जैसे अभी हम गए थे। अब यहाँ पर जाकर के अदर ब्लूटूथ डिवाइसेस पे वापस जाएंगे, तो ये तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है, बट हमें कुछ और चाहिए, तो हम यहाँ पे वापस सर्च करेंगे और अपना जो भी डिवाइस होगी उसका जो पेयरिंग मोड होता है, कोई बटन दिया होगा उसमें या जिस भी तरीके से उसको आपकी डिवाइस पे दिया होगा इंस्ट्रक्शन की किस तरह से उसको पेयर कर सकते हैं। तो जैसे इसमें बटन दबाने से है, तो जनरली बटन दबाने से ही होता है, तो ये बटन दबाने के बाद पेयरिंग मोड पर आ गया। अभी ये अगर पेयर होगा तो यहाँ शो कर देगा कि इससे पेयर करना है कि नहीं करना है। तो अभी आ गया कि आप इससे पेयर करना चाहते हो, मैं ओके कर देता हूँ। तो अभी ये पेयर होगी, हेडसेट दिखा रहा है, पेयर हो गया। चलिए अब बाहर आ जाते हैं टेलीविज़न पे और चलते हैं कुछ देखते हैं। तो अब ये इस पर ऑडियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये तो मैं ही सुन सकता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे तो पता है आपको कि कैसे सुनाई देगा आपको। तो यहाँ मैंने माइक्रोफोन लगाया हुआ है,
तो यहाँ पे मैं आपको सुनाता हूँ कि लखनऊ शहर में आके सुबह सुबह जब शर्मा जी की तो फिर तो दिन तर... तो इस तरह से हम किसी भी ऑडियो इक्विपमेंट को जो कि ब्लूटूथ वाला हो उसे हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझसे किसी ने ये पूछा था कि टीवी में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ कोई भी हेडफोन, या तो वो मैंने एक टेलीविज़न के ऊपर बनाया है तो मैंने सोचा लगे हाथ फायर टीवी स्टिक का भी बना देता हूँ कि इसमें कैसे ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ब्लूटूथ की बात कर रहे हैं तो मैंने एक वीडियो और बनाया था जिसमें एक ब्लूटूथ की अलग से डिवाइस ली थी, जो कि अगर आपके पास होम थिएटर सिस्टम है या कोई भी स्पीकर सिस्टम है, साउंड सिस्टम है कोई भी, जिसमें कि ब्लूटूथ ना दिया गया हो इनबिल्ट और आप चाहते हो कि वो ब्लूटूथ बन जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो वो किस तरह से कन्वर्ट होगा, तो उसके लिए भी मैंने जो है एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है जिस वीडियो का लिंक अभी यहां पर आ जाएगा, आप लोग उसको देख सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां जाकर के उसको देख सकते हो। तो उसमें जो मैंने बताया है कि रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया जादुई चीज़ है, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया। तो वो आपके कार में भी आप लगा सकते हो कि आपके फ़ोन से आपके जो कार का स्टीरियो सिस्टम है या जो भी उसमें अगर ब्लूटूथ नहीं है तो वो कैसे बने, तो वो वहाँ पे भी लगाया जा सकता है। तो उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से पूरा प्रॉपर वीडियो बनाया, तो ये दोनों वीडियो का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हो। और ब्लूटूथ से जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या ब्लूटूथ 5.1 डिजिटल ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है ऑडियो की अगर बात करें तो उसमें, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा अभी तक नहीं कोई ब्लूटूथ डिवाइस बनी है जो कि 5.1 डॉल्बी ऑडियो को ब्लूटूथ के ज़रिए सपोर्ट में लेती हो। इन फ्यूचर अगर बनी तो ज़रूर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा, बट फिलहाल तो अभी तक कोई इस तरीके का ब्लूटूथ डिवाइस नहीं बना है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई है ब्लूटूथ में कि हम इतना हैवी डेटा ट्रांसफ़र कर सकें। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरा पसंद आया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार मुझको देते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी मन में सवाल हो वो नीचे लिखें कमेंट सेक्शन में, और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उनके रिप्लाई दूंगा, और हुआ तो उनके ऊपर वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से जो आपके सवाल का सॉल्यूशन मिलेगा आपको, तो वो वीडियो में भी मैं बना दूंगा। जैसे कि ये बहुत छोटा वीडियो था आज कि कैसे कनेक्ट करना है, तो ये भी मैंने बना के दिखा दिया। तो इससे क्या होगा कि जैसे आपने सवाल पूछा तो आपको मैंने जवाब दे दिया, तो अभी ये वीडियो बन गया, तो अब किसी के पास उसने सर्च किया तो उसको भी ये वीडियो से उसका जवाब मिल जाएगा कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से मैं फिर वीडियोस और बना पाऊंगा, तो आप लोग जब मुझे बताओगे कि आपको क्या जानकारी चाहिए तो उससे मुझे पता चलेगा कि लोग क्या जानना चाहते हैं, तो मैं और अच्छे से उनको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम प्रॉब्लम का सलूशन पा सकें। तो अभी मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा, आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।